दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको 6 फुट चौड़ा सीढ़ी किस तरीके से बनाया गया इसका दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों इसे बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया है, या दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे या शटरिंग लगी हुई है। शटरिंग लगाने के बाद इस पे दोस्तों सरिया बांधा जा रहा है, जैसा कि आप यह सामने देख रहे होंगे 8 mm का दोस्तों सरिये का इस्तेमाल सीढ़ी पे किया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से अपने घर पर सीढ़ी बना रहे हैं तो सीढ़ी की मजबूती प्रॉपर रहेगी, कभी दोस्तों इस पे क्रैक आने का ख़तरा नहीं रहेगा और प्रॉपर मजबूती इस पे बनी रहेगी। इसीलिए दोस्तों आप अगर अपने घर पर सीढ़ी बनवा रहे हैं तो इस तरीके से बनवाएं, जिससे कि आपके घर की सेफ्टी प्रॉपर बनी रहे और लंबे टाइम तक सीढ़ी या मजबूती से खड़ी रहे। या देख रहे होंगे दोस्तों लगभग इस पे स्टील बंध चुका है। स्टील बंधने के बाद आप देखेंगे कवर ब्लॉक भी लगाया गया है। कवर ब्लॉक भी लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। कवर ब्लॉक लगाने के बाद आप सीढ़ी पर अगर लाइट लगाने चाह रहे हैं तो दोस्तों उस पर पाइपलाइन ज़रूर डाल दें। पाइपलाइन डालने के बाद जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इस पे RCC का माल पड़ चुका है। RCC का माल दोस्तों 20 mm और 10 mm और दोस्तों सीमेंट मिलाकर बनाया गया है और इसकी मोटाई लगभग दोस्तों 6 इंच की है। उसके बाद दोस्तों कॉलम डालने के बाद आप कॉलम से सीढ़ी का लेबल निकाल लें। लेबल निकालने के बाद ही आप स्टेप बनाना चालू करें। अगर आप अंदाजे से स्टेप बना रहे हैं और स्टेप टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है दोस्तों तो आपके घर की सीढ़ी का लुक ख़राब दिखेगा और देखने में भी सही नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप स्टेप बनाएं प्रॉपर, जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, लेबल निकाल कर ही बनाएं। अगर आप अपने घर पर सीढ़ी बना रहे हैं तो आप कंक्रीट के माल से भी सीढ़ी बना सकते हैं और दोस्तों आप ईंट से भी सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ी बनाना दोस्तों बहुत आसान है, जैसा कि आप देख चुके होंगे दोस्तों। लेकिन जब भी आप सीढ़ी बनाएं प्रॉपर मजबूत तरीके से बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मसाला सीमेंट बचाएंगे तो आगे जाकर दिक्कतें आती हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप घर बनाएं या तो आप सीढ़ी घर में बनवाएं तो प्रॉपर मजबूत तरीके से बनवाएं। सीढ़ी की चौड़ाई दोस्तों आप कितनी भी रखें, या आप 6 फुट या 4 फुट या 3 फुट, लेकिन दोस्तों सीढ़ी पे जो स्टेप बनता है स्टेप की चौड़ाई दोस्तों लगभग 1 फुट की होनी चाहिए। 12 इंच दोस्तों उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों चढ़ने में बहुत आसानी होती है। या आप देख रहे हो लगभग दोस्तों हमारी सीढ़ी का स्टेप कंप्लीट होता जा रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बीम से स्टेप का लेबल निकाला गया है। जैसा कि दोस्तों आप यह देख रहे होंगे, पाइप में पानी भरने के बाद इसका लेबल निकालने के बाद बीम पर निशान लगाया गया है। अगर दोस्तों मेरे चैनल क्विक मेंटेनेंस आइडियाज़ पर आप पहली बार आए हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नई नई आइडियाज़ देखने को मिले तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।